जोरों से बारिश हो रहा है, मतलब लास्ट 15-20 मिनट से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रहा है, पता नहीं ये कब तक होगा। वो जगह पे खड़ा था वो स्टार्ट नहीं ले रहा था, इसलिए हम लोगों ने धक्का मारने की कोशिश किया उसको स्टार्ट करने को, उधर से धक्का मार के इधर तक लेके आया लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया, बहुत थक गए यार। शीशा उतारने के जगह वो उठा दिया है तो उसका हाथ फंस गया था और वो मतलब GoPro नीचे चला गया, तो इधर ही कहीं गिरा होगा लेकिन मिल नहीं रहा है, बट ये पोपट हो गई यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा हो गया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट, और चाय आ गया दिखा दो। काली चाय, दो दूध वाली चाय, दूध वाली चाय पिएगा अपना विशाल भाई और एक दूध वाली चाय कौन पिएगा? यस भाई। और हम त्रिदीप और रत्रिम, हम लोग ब्लैक, हम लोग काला आदमी काला चाय पियेंगे। और इधर हो रहा है वीडियो अपलोड, इधर दिखा दो, होने देते हैं तब तक बात कर ले, अरे बात कर ले इधर आप, तो तब तक होने देते हैं और आप लोग जाके ये वीडियो देख लो, आई बटन पे लिंक आ रहा है। और ये वीडियो कल रात को सोया नहीं यार, चार दिन हो गया आज, ट्रिप का चार दिन है ना, चार नंबर दिन है आज वीडियो, मतलब वीडियो का नहीं यूट्यूब का, तेरी ट्रिप का नींद ना होने का कारण ये सब होते रहता है भाई। चार दिन में तीन रात मिलता है, तीन रात में एक रात भी अच्छे से नहीं सोया, कार में भी मेरे को मतलब नींद उतना अच्छा आता नहीं है, तो क्या किया जाएगा, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग वीडियो देखो, एंजॉय करो, लाइक शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और जो कैमरा के पीछे दिखा दे, तेरा थोड़ा दिखा दे, बहुत सही है एक नंबर। तो भाई मेरे को शूट वूट करके दे रहा है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब भाई मिलकर बहुत काम हो जा रहा है, सिर्फ वीडियो अपलोड हो जाए। होपफुली ये जो वीडियो बन रहा है कोशिश करेंगे इसका बाद ही अपलोड करने का, अगर नेट मिल जाए तो। आज नेट हो जा रहा है, आज त्रिदीप भाई का है और मेरा है, नेट से चल रहा है, आगे देखते क्या होता है, चलिए बाहर चलते हैं, मिलते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई किया अमृतसरी कुलचे, और ये आलू का पराठा, और इधर दिखा दें अमृतसरी कुलचा विथ छोला, और ये चटनी है, इधर भी छोला है चटनी है, बहुत सही है, मतलब टेस्ट मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बहुत सही। खाना खा लेते हैं, खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए, तो खा के बात करते हैं। चलो भाई पैकअप, ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, और निकल के अपन लोग जम्मू कश्मीर एंटर कर चुके हैं, 10 किलोमीटर होगा शायद, तो 10 किलोमीटर चेक पोस्ट था, उधर कोविड का मतलब रिपोर्ट मांगा, तो मेरा, रियाज भाई का और विशाल भाई का डबल डोज हो चुका था, और अपना त्रिदीप का और रुत्रिम इसका नाम तो बार बार नहीं हुआ, तो भाई दोनों भाई का डबल डोज नहीं हुआ, सिंगल डोज, फिर भी सिंगल डोज होगा फिर भी छोड़ देगा, अगर नहीं हुआ तो RT-PCR मांगेगा, तो वो जो जो आएगा देख लेना। तो अभी इधर से कितना किलोमीटर है श्रीनगर? 380 था, 80 किलोमीटर ऐसे ही मुफ्त, तो जब भी अभी 370 किलोमीटर ऐसे कुछ बाकी है श्रीनगर, तो आज श्रीनगर जाने का प्लान है, देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। और थोड़ा बहुत सीनिक भी देखने का शुरू हो गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं आया, इतना तक मेरे को लगता है कि जम्मू जब तक एंटर नहीं करते उतना खास कुछ देखने को मिलेगा नहीं, नॉर्मली जैसा है वैसे ही है। इसलिए मेरा इधर वीडियो चल रहा है, और इधर से अपना भाई थोड़ा हाय बता दो, नाम बता दो अपना। मेरा नाम नितिन खजूरिया है। ओके, तो इधर से हम लोग एक पोस्टपेड सिम लेना था, सिम किधर गया? ओके, तो ये मिल गया, एयरटेल का पोस्टपेड सिम लेना था तो मिल गया, थैंक यू। ओके चलिए बाय। पाली भाई का GoPro शूट करते करते इस विंडो से नीचे गिरा दिया, कार में था तो रोत्रिम को बोला कि एक शूट करने को, तो वो शूट किया, शीशा उतारने के जगह वो उठा दिया है तो उसका हाथ फंस गया था और वो मतलब GoPro नीचे चला गया, तो इधर ही कहीं गिरा होगा लेकिन मिल नहीं रहा है, यही दिक्कत वाली बात है। और इधर पूरा पानी जमा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये पानी का शॉट ही लेना चाहते थे, मतलब वो टायर के नज़दीक से जो आता है उसे टाइप का, बट हो नहीं पाया, उल्टा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। और मेरा पास, आप लोग इसे जानते हो, मेरा पास एक ही कैमरा है, एक ही GoPro था मेरा, और एक जो GoPro यूज़ करते थे वो मेरा नहीं था, वो एक प्रेम बोल के एक भाई था उसका GoPro था, बट ये पोपट हो गया यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से खर्चा पड़ जाएगा, कम से कम अभी 7 तो मिलेगा नहीं, मैं GoPro Hero 7 यूज़ करता था, अब 7 तो मिलेगा नहीं मेरे को, 8 खरीदना पड़ेगा या फिर 9, 8 का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 9 का भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्या होगा नहीं पता।
चलो हम लोग वहाँ पर जाकर फंडिंग करेंगे, फंड से निकाल लेंगे, फंड देगा। तो सीरियसली है कि अभी मिल नहीं रहा है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं होता है तो पूरा गया, उसमें कुछ फुटेज भी था, मतलब ज़्यादा फुटेज नहीं था, पूरा निकाल लिए थे। एक दो फुटेज था, मैंने सोचा और भी कुछ था, सोच के देखा और कुछ नहीं था, एक दो फुटेज ही था, बट मिल नहीं रहा है। वो जो मारुति वैन दिख रहा है आपको, वो शायद फंस गया होगा उधर। वो जो मारुति वैन दिख रहा है आपको मम्मी, वो उधर जैसे खड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइप वो जगह पर खड़ा था, वो स्टार्ट नहीं ले रहा था, इसलिए हम लोगों ने धक्का मारे, कोशिश किया उसको स्टार्ट करने को, उधर से धक्का मार के इधर तक लेके आया, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया, बहुत थक गए यार। तो अभी बज गए 2:36, तो ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका है। तो ये सामने KFC आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो KFC से आ गया सब खाना, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। और बाहर का वो इधर जो है ना, बहुत सही वेदर है, मतलब जब से जम्मू एंटर किए ना तब से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो ये रहा गाइस, ये लेके हम लोगों का कितना टर्न मिला, ये 3 नंबर टनल, और ये फिर से आ गया 4 नंबर टनल। क्या लग रहा है भाई देखने में, 4 टनल मिला और लास्ट टनल ये है, ये सबसे ज्यादा लंबा लग रहा है टनल, ये सबसे लंबा लग रहा है ना। चलो ये खत्म हो गया, ये सबसे लंबा टनल था ना। जोरों से बारिश हो रहा है, मतलब लास्ट 15-20 मिनट से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रहा है। पता नहीं ये कब तक होगा, अगर कंटिन्यूसली होते गया तो बस काम ख़त्म। और जितना सुनने में मिला तो उतना बाइक से बात हुआ था, तो भाई ने कहा कि श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा मतलब स्नोफॉल हुआ है, एंड लद्दाख में भरपूर स्नोफॉल हुआ है कल से। तो हम लोग कल या फिर परसों लद्दाख एंटर करेंगे, तो क्या पता क्या होगा। लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है बहुत सही है, लेकिन बारिश बहुत ज़ोरों से हो रहा है। अगर थोड़ा हल्का होता है ना तो और ज़्यादा मौसम का मज़ा लिया जाएगा। तो गाइस, हम लोग श्रीनगर जा नहीं पाए क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, वेदर बहुत ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब तूफान टाइप का हो रहा है। बारिश तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाला बारिश हो रहा है, जो आप लोग लास्ट फुटेज में देखे होंगे कुछ देर पहले, साउंड मिल रहा है शायद, आप लोग ये देखो नज़ारा देखो। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बारिश के साथ साथ जो हवा चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्या श्रीनगर ना जाने का कारण ये कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण लैंडस्लाइड होकर रखा है, तो इसीलिए हम लोग सोचे डिसीजन लेने का, इधर आज रात स्टे कर लेते, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे, तब तक 3-4 बजे तक होपफुली श्रीनगर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कैसी होता है। अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो हम लोग 1.5 घंटा पहले आ चुके थे होटल पर, तो इधर होटल पर फ्रेश फ्रेश होके 1.5 घंटा आराम कर लिए थे। अभी जा रहे थोड़ा लोकल घूमेंगे, कुछ खाना है, चाय वगैरह। जो वेदर बन रहा है ना भाई, अलग ही थे फुल महफिल वाला ब्लॉग है। ओ भाई साहब, क्या हवा चल रही है, आप ये पीछे देख के अब अंदाजा लगा सकते हो, बहुत सही वेदर है, मतलब फुल मौज वाला वेदर है। अभी कहाँ बैठेंगे भाई, चाय वाय पियेंगे। इधर एक आए, नाम क्या है यस भाई? नाम है ये कैफे का, द टी फैक्ट्री। सो बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, आप लोग पीछे देख सकते हो चारों तरफ। तो इधर अभी 2 पिक्चर्स लिए हैं, तो वो आपके इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगा, और आसपास में ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो जैसे कि बताया था, हम लोग उधमपुर में, तो उधमपुर में डाक बंगला बोल के एक जगह है, उधर ये है टी फैक्ट्री, बहुत सही लोकेशन है, एंड पिक्चर्स के लिए 1 नंबर है, तो पिक्चर्स भी 1 नंबर ही आया है, तो आप लोग इंस्टाग्राम चेक करो, बहुत सही लगेगा देखने में। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11, और हम लोग खा पी के सब मजाक मस्ती करके आ चुके हैं,
और इधर दो भाई सेट हो चुका है, ये तीन, मैं हुआ चार, ये रहा पाँच, तो सब इधर ही है। एक ही रूम था हम लोगों का, बड़ा स्वीट रूम बोलते हैं ना इसको, स्वीट रूम, स्वीट रूम लिए थे। तो पांच जन, दोनों बेड है, किंग साइज बेड है, तो इधर ही हम लोग का हो जाएगा। और एडिटिंग ऑलमोस्ट डन, तो यही लास्ट शॉट डालना है, इधर ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे और वीडियो एंड हो जाएगा। तो आप लोगों कोई भी रीजन से अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जो जो करना पड़ता है आप लोगों को मालूम है, सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग श्रीनगर जाने वाले हैं, अगर रास्ता खुला मिला तो, नहीं तो कोई भी हालत में कोशिश करेंगे जाने के लिए, कोशिश हर टाइम करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो अलग चीज़ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हो पाता है तो सही है, नहीं तो जो होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो देख लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।